हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था भारत की स्थिति, यानी भारत देश कहाँ है। इस चैप्टर में हम पढ़े थे भारत देश की जलवायु, वनस्पति या वन्य प्राणी यहाँ के कैसे हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, यानी कि समाचार हर एक जगह, मतलब समाचार उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चों जो जलवायु है यहाँ की वो एक समान नहीं है, तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम क्या होता है बच्चों? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन के होने वाला परिवर्तन जो है वो मौसम कहलाता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म या ठंडा, कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, गर्मियों में ज़रूरत नहीं होती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं, इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंडी लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएँ चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा होता है, मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, जून से सितंबर तक दक्षिण पूर्वी मानसून का मौसम होता है, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय शरद आदि। सबसे पहले है शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय है शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में, इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, समुद्र ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च वर्ष पर निर्भर करती है, यानी कि कैसे स्थान, वो जलवायु कितनी, जलवायु जो होती है वो उसकी स्थिति, यानी कि वो कहाँ स्थित है, कितनी ऊंचाई पर है। इसलिए हमें भारत के जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, यानी कि हर एक क्षेत्र पर भारत में जलवायु जो है अलग अलग पाई जाती है। राजस्थान के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर ये भारत के हिस्से हैं के द्रास तथा कारगिल में हमेशा बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न अधिक गर्म है न अधिक ठंडी। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय की बात करें तो बच्चों गर्म वर्षा वाले, यानी कि जिनमें जो ज़्यादा गर्मी के जहाँ तक गर्मी में जो पैदा होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता
वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, फलते हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट के संकरी पट्टी में पाए जाने वाले वृक्ष प्रमुख जो वृक्ष हैं वो कौन से हैं, महोगनी, एबनी तथा रोजवुड हैं। ठीक है बच्चों, फिर है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक बार निश्चित समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम तथा शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। पर्वतीय वनस्पति, पर्वतों में ऊँचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। ये पौधे शंकुआकार वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं बच्चों, चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। फिर है मैग्रोव वन। मैग्रोव वन कौन से होते हैं, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा खारा पानी, नमक पानी होता है, लवणीय, वहाँ पे ये वन होते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजातियां बच्चों याद रखेंगे। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, आप सभी को पता है हमें वन की आवश्यकता होती है बच्चों। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे पौधे पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है सांस के रूप में, जिसे हम यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं और ये अपने आप उसे ग्रहण करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार की मिट्टी को अपरदन कहते हैं। वनों से हमें लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास से पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी वर्षा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के बारे में बताना चाहिए। हम लोग इस कुछ खास आयोजन जैसे महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कर्मियों का विकास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है। हाथी तथा एक सिंह वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल एवं बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हो बच्चों, आपको लिखना ही है। ठीक है, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। उनमें कोबरा एवं कैरात सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये प्रजातियां पाई जाती हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं बच्चों, मैप पे आपको बताना है। ठीक है, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, याद रखना है बच्चों, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।